दोस्तों, ये है यूफ्रेटिक्स रिवर जो कि सन 2020 में कुछ ऐसी दिखती थी। अच्छा खासा पानी का लेवल था और अब देखिए, ये उसी यूफ्रेटिक्स रिवर की लेटेस्ट तस्वीरें हैं 2022 की। मात्र 2 साल बाद यह नदी पूरे तरीके से सूख चुकी है। आप देखिए यूफ्रेटिक्स रिवर 2020 में और फिर 2022 में कि कैसे ये बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। यूफ्रेटिक्स रिवर को हिंदी में फरात नदी के नाम से भी जाना जाता है और खासकर बाइबल में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला जो टॉपिक है वो यूफ्रेटिक्स रिवर फरात नदी ही है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, कि आखिरकार इस नदी में ऐसा क्या है, लोग फरात नदी को क्यों सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर और इस सूखी हुई नदी को लोग विजिट क्यों कर रहे हैं और वहां के अवशेषों को क्यों ढूंढ रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों। दोस्तों, आज से 2000 साल पहले बाइबल में एक भविष्यवाणी की गई थी कि अंत का समय आने से पहले फरात नदी सूख जाएगी जो कि 1700 मील लंबी और 1.7 मील चौड़ी है। और जब ऐसा होगा तो मान लेना कि पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आने वाली है। जब परमेश्वर ने पहले इंसानों को, आदम और हव्वा को बनाया था, तो परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे में रखा था। अदन का बगीचा एक बिल्कुल ही परफेक्ट स्थान था और परमेश्वर ने उसी अदन के बगीचे को सींचने के लिए वहां पर एक महानदी बनाई थी जिसकी 4 मुख्य धाराएं हैं और उन्हीं में से एक थी फरात नदी। इसके बारे में उत्पत्ति 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है, यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है, यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है, यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती। और चौथी नदी का नाम फरात है और फरात नदी को ही इंग्लिश में यूफ्रेटिक्स रिवर कहते हैं, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अदन के बगीचे से बहने वाली महानदी की ही एक धारा थी यह फरात नदी, जो आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिसकी भविष्यवाणी को आप सुन रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 16 अध्याय उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। ध्यान दें यहां पर कि छठवें स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी वहां पर सूख गया, किसलिए सूख गया, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी ऑफ रेवलेशन, फरात नदी का सूखना एक अंतिम समय की घटना है। चलिए मैं आपको पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड दिखाता हूं कि आखिरकार फरात नदी आज से तकरीबन कुछ साल पहले कैसी थी, ताकि आपको ये बात ओवरऑल समझ आए। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये है 23 मार्च 2021 की, और उस समय फरात नदी में इतना पानी था और जो आप ये बीच में टावर बना हुआ देख रहे हैं वो आधे से ज्यादा पानी में था। 11 सितंबर 2021 में फरात नदी का जो वाटर लेवल था वो घट गया और मात्र 6 महीने में घटकर सिर्फ इतना रह गया जितना आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 10 जनवरी 2022 में वाटर लेवल और भी ज्यादा घट गया और इतना घट गया कि यह टावर का निचला भाग अब बिल्कुल साफ दिखने लगा। तो आपने इन 3 फुटेज में देखा कि कैसे जो वाटर लेवल था वो लगातार घटता ही जा रहा था। 15 सितंबर 2022 में वाटर लेवल ऑलमोस्ट बिल्कुल कम हो गया और आसपास के जो सारे इलाके थे वो सूख गए। और आज जो तस्वीरें हैं वो कुछ ऐसी हैं कि फरात नदी बिल्कुल सूख चुकी है। और प्रकाशित वाक्य की किताब में हम पढ़ते हैं कि 7 स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है जिनके पास 7 प्रकोप के कटोरे थे जिनके कारण पृथ्वी पर विपत्ति आती है, और जब वो छठा कटोरा उंडेला जाएगा तो वो फरात नदी वहां पर सूख जाएगी। एक बार फिर से देखिए प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसकी 12 आयत में कि छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। तो बाइबल की भविष्यवाणी में लिखा है कि जब वो कटोरा उंडेला जाएगा तो फरात नदी का पानी सूख जाएगा, और आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि फरात नदी आखिरकार कैसे सूख गई है। ध्यान दें वहां पर नीचे क्या लिखा है, वहां पर लिखा है कि जब नदी सूख जाएगी तो पूर्व दिशाओं के राजाओं के लिए मार्ग वहां पर तैयार हो जाएगा।
तो बाइबल का कहना है कि इस नदी के सूखने के बाद और भी कुछ घटनाएं होने वाली हैं। वो है कि पूर्व के राजाओं का उदय होना, कुछ राजा खड़े होंगे और बाइबल में आगे लिखा है कि वो वहां पर एक भयंकर युद्ध होने वाला है परमेश्वर के लोगों के बीच में। तो दोस्तों, बाइबल की भविष्यवाणियों का कहना है कि पूर्व से राजा उठेंगे। यदि आज के समय की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा देश है पूर्व में जो इतना सामर्थी है कि वो वहां पर उठ सकता है और लड़ाई कर भी सकता है? देखिए, अब्राहम के समय में जब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को देश देने का वादा किया था, तो वो इसी फरात नदी के द्वारा, जो उसकी बाउंड्री थी, बाउंड्री परमेश्वर यहोवा के द्वारा तय की गई थी। यह वही फरात नदी है जहां से निम्रोद ने बेबीलोन की संस्कृति और बेबीलोन के साम्राज्य की शुरुआत की थी। और फिर फरात नदी के सूखने के बाद पूर्व के राजा उठेंगे, सेना इकट्ठी करेंगे और तब एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे परमेश्वर के विरोध में। दोस्तों, फरात नदी का सूखना एक नॉर्मल घटना नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय के लिए चेतावनी है जो हम सभी के सामने आज परमेश्वर की ओर से बिल्कुल क्लियर है कि एक एक शब्द जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो बिल्कुल सत्य है और भरोसेमंद है। इसलिए हमें इन बातों को नज़रअंदाज ना करें। टर्की, सीरिया, इराक से बहने वाली ये नदी आज सूख चुकी है और आज हजारों से भी ज़्यादा लोग इसके कारण प्रभावित हैं। पुराने समय में मेसोपोटामिया की कल्चर, बेबीलोन का साम्राज्य, ये सब इसी नदी के कारण एक समय में बढ़ पाए थे। लेकिन आखिर में तो होना वही है जो बाइबल में लिखा है कि फरात नदी सूखेगी तो सूखेगी। आज यह इस नदी की कंडीशन है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और एक बार फिर से बाइबल की भविष्यवाणी सच साबित होती है कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल सीरियस है और बिल्कुल सत्य है और हमें गंभीरता से लेना चाहिए आने वाले समय के बारे में। और फिर देखिए, जब हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ते हैं इस नदी के बारे में पढ़ने के बाद में, तो फिर वहां पे लिखा है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से तीन अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते हुए देखा। तो आप वहां पे देखेंगे कि जैसे ही जो छठवां कटोरा है पलटा जाता है, उसके बाद शैतान के बारे में और उसकी दुष्ट आत्माओं के बारे में वहां पर बात की जाती है। तो दोस्तों, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। जो समय है अंतिम समय, वो बिल्कुल हम अंतिम समय में जी रहे हैं और हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि हम उन सब घटनाओं को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। दोस्तों, इसलिए समय है कि हम भी परमेश्वर के प्रति गंभीर हो जाएं और अपनी जिंदगियों को उचित रीति से जिएं जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। दिन बुरे हैं और परमेश्वर का आना निकट है, इसलिए अपनी लाइफ में सीरियस हो जाएं अब।